किसी थाने पर जाओ, सफेद गमछा नहीं, एक पीला गमछा लगा लो। जब आप थाने पर जाओगे तो तेरी शकल में ओम प्रकाश राजभर दरोगा जी को नजर आएंगे। और हमारी पार्टी का गमछा और उनका मोबाइल भी छीन लिया गया। ये पार्टी के बारे में उन्होंने बहुत अपद्रवा यहाँ टिप्पणी की। देख लो भाई, पीले गमछे की पावर। और मंत्री जी कहे ही थे, कार्यकर्ता लग गए पीले गमछे की पावर चेक करने लगे। चेक ऐसा हुआ कि अब पीले गमछे से डरने लगे। भैया पीले गमछे की पीछे की सारी कहानी समझाते हैं। पहले सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष व योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर का वह बयान सुनते हैं, फिर शायद आप भी कुछ कुछ समझ ही जाएं कहानी। किसी थाने पर जाओ और वहां जाने के बाद थोड़ी सी दिक्कत है, उस थाने पर जाओ सफेद गमछा मत लगाओ। सफेद गमछा नहीं, एक पीला गमछा लगा लो, 20-25 रुपए का मजार बाजार में मिलेगा। इस गमछे को लगा के जाओ थाने पर। जब आप थाने पर जाओगे तो तेरी शकल में ओम प्रकाश राजभर दरोगा जी को नजर आएंगे। ये है पावर। और जाके बता देना कि मंत्री जी भेजे हैं। और दरोगा जी की पावर तो हो नहीं कि मंत्री जी से फोन करें कि भेज लेगा कि नहीं। बोली है पावर, एसपी को भी पावर नहीं है, डीएम को भी पावर नहीं है, आज जिस मुकाम पे हम खड़े हैं डीजी को भी पावर नहीं है कि वो हमसे पूछे कि आपने भेजा है कि नहीं भेजा है। सुना आपने मंत्री जी का बयान, जहां डीएम एसपी से लेकर दरोगा तक की हिम्मत नहीं की वो पीले गमछे से न डरे। अब पीले गमछे का टेस्ट करने वाले एक कार्यकर्ता का बयान सुन लीजिए। संजय कश्यप बोलते, भारतीय समाज पार्टी जिला अध्यक्ष। अच्छा, थाना घेराव क्या मामला है पूरा? थाना घेराव हमारे विधानसभा अध्यक्ष संतराम कश्यप जी हैं, उनको थाने में बुलाया गया और उनके साथ अपत्रता की गई और हमारी पार्टी का गमछा और उनका मोबाइल भी छीन लिया गया। ये पार्टी के बारे में उन्होंने बहुत अपत्रवा यहाँ टिप्पणी की है। और हम जब थाना अध्यक्ष से बात करने आए हैं तो उनकी भी भाषा गलत निकली। अब तो यह बयान सुन आप पूरी कहानी समझ गए होंगे। दरोगा साहब तो ऐसी खतिदारी की कि पीले गमछे वाले की मोबाइल ही छीन लिया, पीला गमछा भी छीना और बाद में दरोगा साहब ने जमकर कार्यकर्ता की फजीहत भी कर दी, जिसके बाद सुभाषपा के फरुखाबाद जिला अध्यक्ष को बची कुची इज्जत बचाने के लिए अपने बूथ अध्यक्ष के लिए मैदान में उतरना पड़ा। हमारी समस्या का निस्तारण नहीं हुआ तो थाने में हम बैठ जाएंगे, धरने पे बैठेंगे। अभी तो धरने पे हैं? अभी तो धरने पे नहीं, अभी तो हम सिर्फ यहाँ अपनी समस्या का समाधान कराने आए। अगर थाना इंचार्ज घेराव करने आए, थाना इंचार्ज मानते हैं तो ठीक है, नहीं तो हम धरना प्रदर्शन करेंगे।